जम्मू कश्मीर की खबर से, यहाँ पर कल यानी कि 2 दिसंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार का शोर रविवार की शाम थम गया। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी उमंग रूला ने बताया है कि राज्य के 5 जिलों उधमपुर, रियासी, पुंछ, कुपवाड़ा और कुलगाम की 18 विधानसभा सीटों पर कल मतदान किया जाएगा। कुल 17,000 कश्मीरी विस्थापितों समेत 15.35 लाख मतदाता 175 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का कल फैसला करेंगे। इस चरण में कई पूर्व और मौजूदा मंत्री, विधायक और भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बागी नेता मैदान में हैं। 8 महिला प्रत्याशी भी चुनावी अखाड़े में दम ठोक रही हैं। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और भाजपा ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत लगा दी। पुंछ में आयोजित रैलियों में सभी पार्टियों के प्रत्याशी और स्टार प्रचारकों ने वोटर्स को लुभाया। पुंछ के सोरन कोट के शिरडी ख्वाजा इलाके में आयोजित कांग्रेस की रैली में गुलाम नबी आजाद ने भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जमकर हमला किया। आजाद ने कहा कि आरएसएस सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रही है। पहले चरण में हुई बम्पर वोटिंग से सभी पार्टियां उत्साहित हैं। वहीं कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमला करते हुए कहा है कि केंद्र में जब यूपीए की सरकार थी तब कांग्रेस ने देश भर में फूड सिक्योरिटी एक्ट देश भर में लागू कराया, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने 370 को ढाल बनाकर इसे लागू नहीं होने दिया। अगर रियासत में कांग्रेस की सरकार बनती है तो रियासत में भी ये एक्ट लागू किया जाएगा, जिससे जनता को गेहूं और चावल सस्ती दरों पर मिल सके। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।